प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। नया यरूशलेम उतरेगा, उसमें हम जाएंगे। नया यरूशलेम उतरेगा, उसमें हम जाएंगे। नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम जाएंगे। यरूशलेम जाएंगे, नया यरूशलेम उतरेगा, उसमें हम जाएंगे। आज का संदेश ब्रदर जॉर्ज जॉन इंडोर से बांटा जाएगा, प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की बड़ी नाम की महिमा हो। फिर से एक बार और परमेश्वर के वचन के साथ आप लोगों के बीच में आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। शुभ संदेश सुनने वाला हर एक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। आइए हम एक पद पढ़े, वचन संहिता 86 उसका 12 और 13 पद, साम्स 86 वर्स 12 और 13। उधर ऐसा लिखा है, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की ताव में जाने से बचा लिया है। वचन लिखने वाला दाऊद बहुत बड़ा एक अनुभव को अपने सामने पवित्र आत्मा का भरपूरी के साथ बता रहा है। वो परमेश्वर को धन्यवाद करता है, परमेश्वर को महिमा करता है, यहोवा को वो धन्यवाद बलि रूपी चढ़ाता है। अपने पूर्ण मन से परमेश्वर को वो धन्यवाद करता है और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहता है। उसका कारण क्या है? 13वां पद में लिखा है, क्योंकि मैं तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है, तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है। परमेश्वर का करुणा, हम जानता है कि करुणा और मेर्सी ये होता है, परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ बातें तय करके रखा हुआ था, वो हमको हमसे हटाता है। हम जानता है कि एक पापी व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का यह था नित्य नरक की ओर जाने का था। परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर हमेशा हमेशा होने का था, परंतु परमेश्वर का करुणा से परमेश्वर ने क्या किया है, वो दंड हमको नहीं दिया है, हमारे ऊपर से वो हटा दिया है। हमारे ऊपर आने का था परमेश्वर का दंड, अधोलोक के अंदर हम जाने का था। हम जानता है कि अधोलोक नरक है, आग से भरा हुआ है। परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध पापी लोगों के ऊपर डालने के लिए नरक परमेश्वर ने हमारे लिए बना के रखा हुआ है। उसी के अंदर का हालत बहुत 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 खराब है, कोई भी आदमी वो सहन नहीं कर पाता है। ऐसी एक स्थिति है, अधोलोक का अनुभव, अधोलोक का आग से भरा हुआ अनुभव, कीड़ा से भरा हुआ। आग के अंदर कीड़ा कभी मरता नहीं है। ऐसी एक अवस्था, हमारे आत्मा भी उसी अधोलोक में जाने का था, वही था हमारा तय, परमेश्वर ने करके रखा हुआ था। परंतु परमेश्वर ने क्या किया है, अपना करुणा के कारण वो हमारे ऊपर आने का था, परंतु और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है, मेरे को बचा लिया है। कितना एक बहुत बड़ी बात है। वो परमेश्वर ने पूरा चीज को, दुनिया को, सबको अपना मुंह से शब्दों से बोल के बनाया है। एक शब्द काफी था सूरज को बनाने के लिए, चंद्रमा को बनाने के लिए, पृथ्वी को बनाने के लिए, अलग अलग सूरज को बनाने के लिए, हर एक चीज़ों को बनाने के लिए परमेश्वर का एक शब्द काफ़ी था।
परंतु चाहिए तो दोनों के अंदर से हमको भी बचाने के लिए एक शब्द से हमको बचा सकता था, परंतु परमेश्वर का धर्म ही ऐसी था, कर पाप के कारण मरना अनिवार्य है, वो परमेश्वर का न्याय था, वो करना होना बहुत जरूरी था। परंतु हम जानता है कि वो मृत्यु हमारे ऊपर से बचाने के लिए 2000 साल पहले परमेश्वर ने वो मृत्यु कालवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया है। वो अधोलोक का अनुभव में प्रभु यीशु मसीह उजर के चले गया है। बहुत बहुत कितना दर्दनायक ये अवस्था, अधोलोक के वो अवस्था बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर में कोई भी सोच नहीं सकता है, ऐसी एक स्थिति है अधोलोक का अनुभव। परंतु वह अधोलोक से परमेश्वर ने हमको बचा लिया है। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, एक घटना को बता दिया है, एक धनी व्यक्ति वो मर गया है, वो अधोलोक के अंदर चले गया है, परंतु उनके दरवाजे पे एक व्यक्ति था, एक दरिद्र व्यक्ति था लाजरस करके, वो मर गया है, वो परमेश्वर के पास पहुंच गया है। वो धनी व्यक्ति अधोलोक के अंदर बहुत तड़प रहा है, वो आग के कारण, वो एक बूंद पानी के लिए वो तड़प रहा है। ऐसी एक स्थिति है जब उसने लाजरस स्वर्ग में देख हुए बता रहा है, ओ पिता उन लाजर को मेरे पास भेजे, एक बूंद पानी मुझे लिए दे दे। ओ एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा है, एक मड़का पानी नहीं मांग रहा है, एक ग्लास पानी नहीं मांग रहा है, एक बूंद पानी मांग रहा है। हम समझ सकता है कि अधोलोक का अनुभव, अधोलोक का अनुभव कितना गंभीर है, कितना गंभीर है। प्रिय भाई बहनों, मुझे बात सुनने वाला समझ ले, अधोलोक का अनुभव बहुत गंभीर है। परंतु जो कोई वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, वो अधोलोक का वो दंड से बच जाता है। ये दाविद वो ही कहता है, क्योंकि तेरी करुणा मुझे ऊपर बड़ी है, तूने मुझको अधोलोक की तह में से जाने से बचा लिया है, अधोलोक में जाने से बचा लिया है। उसके लिए प्रभु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, उसने वो अनुभव अपने ऊपर ले लिया है, अपने ऊपर ले लिया है। उसी के द्वारा जो कोई उसी में विश्वास करता है, वो अधोलोक से बच जाता है। करुणा एक अनुग्रह परमेश्वर ने हमारे ऊपर देता है। कितना हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है, कितना प्रेमी है, वो हमारा अधोलोक को दंड को बचाने के लिए अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है। उसको मरने के लिए उसने भेजा है, वो मरने के लिए तैयार होकर इस दुनिया में आया है। वो मरने के लिए किसको कौन जन्म लेता है, वो मरना अनिवार्य है, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है, वो मरने के लिए जन्म लिया है। वो हमारे पाप के कारण मरने के लिए, उसका उसका बलि चढ़ाने के लिए उसने इस दुनिया में आया है। वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करे, हमारा अधोलोक का अनुभव को उसमें से हमको बचा लेगा, परमेश्वर का करुणा हमारे ऊपर आएगा, हम कितना एक धन्य लोग बन जाएगा। ऐसी बनने के लिए, प्रभु में आने के लिए, ये वजन को द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसकी बड़ी नाम की महिमा हो।